वे संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जहां भगवान, पूजा पाठ, धर्म, जाति, समाज आदि के नाम पर कई तरह के नियम व कानून को लोग मानते हैं। और जब आप इन नियमों और दायरों की बात करें तो आप यह पाओगे कि जहां एक ओर भारत में बने हुए हर एक नियम का अपना एक धार्मिक महत्व है और वहीं दूसरी ओर इन नियमों का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण भी जरूर होता है। तो दोस्तों, आज वेद संसार आपको बताने जा रहा है कि रविवार को तुलसी का पौधा आखिर क्यों नहीं छूना चाहिए और जल भी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ हम जानेंगे इसके पीछे के धार्मिक कारण को। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। यही नहीं, हमारे पुराणों में भी तुलसी पौधे के अलग अलग नामों और उनके अलग अलग महत्वों के बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। वहीं इन्हीं पुराणों में तुलसी का पौधा ना छूने को लेकर भी कई तरह के कारण भी बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है और इसलिए तुलसी के पूजा से श्री हरि बहुत खुश होते हैं। यूं तो हमारे पुराणों के अनुसार भगवान श्री हरि के पूजन के लिए सबसे शुभ दिन वीरवार ही माना जाता है, लेकिन हाँ, रविवार का दिन भी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय दिन माना गया है। और यही कारण है कि भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी को रविवार के दिन भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं कि जो भी रविवार के दिन तुलसी तोड़ता है उस पर भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। जान ले कि भगवान विष्णु का ही एक रूप शालिग्राम को माना जाता है और शालिग्राम से ही तुलसी का विवाह हुआ था। रविवार के दिन भगवान विष्णु पर तुलसी चढ़ाकर पूजा की जाती है और उनके प्रिय दिन तुलसी पर जल चढ़ाना, पूजा करना और उसे तोड़ना, इन सभी की मनाही होती है। आगे बात करते हैं माँ तुलसी के व्रत के बारे में। दोस्तों, यह तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रविवार के दिन माँ तुलसी का व्रत होता है। इस खास दिन माँ तुलसी पूरे दिन पूर्ण रूप से व्रत रखती हैं और इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते गलती से भी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके व्रत में बाधा पड़ जाती है। बताते चले कि एक ऐसी मान्यता भी है कि तुलसी के पत्तों को कभी भी बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बिना नहाए तुलसी के पत्तों को पूजा के लिए तोड़ता है तो ऐसे चढ़ाए हुए पत्तों को भगवान पूजा के लिए स्वीकार कभी भी नहीं करते हैं। तुलसी के हर पत्ते को 11 दिनों तक पूजा के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है। यही नहीं, हमारे पुराणों के अनुसार तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक शुद्ध माने जाते हैं। इसलिए याद रखें कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप रोज की पूजा के लिए रोज तुलसी के पत्ते तोड़ें, बल्कि एक पत्ते को आप धो धोकर पूजा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे से इस बात का जरूर से ध्यान रखेंगे और रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।